तो हेलो मराठा फैमिली दोस्तों, अगर आप भी 2023 में एक नई बाइक परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी अपकमिंग बाइक के बारे में बताने वाला हूं जिनका जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च है वो 100% कन्फर्म हो गया है, और ये तीनों ही बाइक आपको 100% इसी साल इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं वो तीनों ही बाइक कौन सी है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जो नंबर तीन पर आने वाली अपकमिंग बाइक है वो है TVS की तरफ से आने वाली अपाची RTR 310। जी हाँ दोस्तों, अब TVS बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपनी अपाची RTR 310 को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। इस बाइक का जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है। यह एक नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक होने वाली है जो की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है। अगर हम इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करें तो बाइक के जो लुक है वो काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा और बाइक के जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे। बाइक के रियर में आपको बहुत ही खूबसूरत LED टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी और बाइक में आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिलेगा, जो की काफी अच्छी बात है। अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 310cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल BS7 इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, जो की काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2,30,000 के एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको साल के एंड तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम नंबर दो की अपकमिंग बाइक के बारे में बात करें तो वो होने वाली है बजाज की तरफ से आने वाली RS 200 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल। अब बजाज बहुत ही जल्द अपनी RS 200 को बहुत सारे नए अपडेट के साथ, बहुत सारे नए चेंजेस के साथ इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। कंपनी इस बाइक में बहुत सारे नए चेंजेस कर इस बाइक के लुक को कम्प्लीटली चेंज करने वाली है। अगर हम इस बाइक के सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करें तो वो होगा इस बाइक के फ्रंट हेडलाइट में। कंपनी अब इस बाइक के 2023 मॉडल में आपको बिल्कुल नया हेडलाइट का डिजाइन प्रोवाइड करवाने वाली है, जो कि आपको कम्प्लीटली LED में देखने के लिए मिलेगी और बाइक के जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED में ही देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बाइक के लुक को काफी ज्यादा एनहांस करने वाले हैं। बाइक के रियर में आपको बहुत ही खूबसूरत LED टेल लाइट भी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, इस बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने के लिए मिलेगा। कंपनी इस बाइक के एनालॉग मीटर को चेंज कर इस बाइक में आपको बहुत ही बढ़िया डिजिटल मीटर कंसोल प्रोवाइड करवाने वाला है, और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी बाइक में USD फोर्क सस्पेंशन का सेटअप प्रोवाइड करवाने वाली है। बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर भी देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस बाइक में आपको बिल्कुल नया फेयरिंग स्टाइल, बिल्कुल नया डिजाइन और बिल्कुल नए थीम और ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे। बाइक में नए कलर भी ऐड किए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइनली अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 5,000 से 7,000 रुपए ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक अगस्त के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम नंबर वन पर आने वाली बाइक के बारे में बात करें तो वो होगी बजाज और ट्राइम की कोलैबोरेशन में आने वाली एक रेट्रो स्कैम्बलर बाइक। दोस्तों, बजाज इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपनी एक 350cc की रेट्रो बाइक को इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि बजाज के पास अभी तक कोई भी रेट्रो स्कैम्बलर कैटेगरी की बाइक अवेलेबल नहीं है, तो बजाज बहुत ही जल्द रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने के लिए अपनी एक 350cc की रेट्रो बाइक को लॉन्च करने वाला है। इस बाइक के जो लुक है वो काफी ज्यादा बेहतरीन और काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाले हैं। इस बाइक के फ्रंट में आपको बहुत ही बढ़िया राउंड LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको बहुत ही खूबसूरत LED टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी। इस बाइक को स्पेशली लॉन्ग राइड के लिए डिजाइन किया गया है, तो बाइक की जो सीटिंग की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। तो फाइनली दोस्तों, अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2.5 लाख के एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी, और अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको अगस्त के महीने में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इन तीनों ही बाइक में से किस बाइक का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे एक और इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय और टेक केयर।